जेई में 2019 में रिएक्शन मैकेनिज्म का, खास तौर पर E2 मैकेनिज्म का एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है. द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये क्वेश्चन है. एक कायरल सेंटर जिस पर क्लोरो है, इधर मिथाइल है, ऊपर इथाइल है और नीचे एक एस्टर ग्रुप है. इन्होंने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, सोडियम इथॉक्साइड के साथ इसको रिएक्शन करवाई, हीटिंग करवाई, एलिमिनेशन रिएक्शन होगी. अब इस एलिमिनेशन रिएक्शन में Cl तो जाएगा इस कार्बन से और किसी बीटा पोजीशन से कोई एक H जाएगा. हमारे पास बीटा कार्बन के रूप में एक यहाँ पर बीटा कार्बन है और एक यहाँ पर बीटा कार्बन है, तो डबल बॉन्ड या तो यहाँ बन सकता है या डबल बॉन्ड इधर बन सकता है, ठीक है ना. तो ऑप्शन ए और बी तो वैसे ही संभव नहीं है, ठीक है ना. ऑप्शन सी और डी में हमें देखना है कि डबल बॉन्ड हमें लेस क्राउडेड साइड में बनवाना है या मोर क्राउडेड साइड में बनवाना है. आपको पता है कि जब कभी E2 रिएक्शन होती है तो ये सेटजेफ रूल फॉलो करती है. सेटजेफ रूल क्या है कि जो आउट ऑफ मेनी पॉसिबल एल्कीन्स जो मेजर एल्कीन होता है वो मोर क्राउडेड वाला होता है, ठीक है ना. तो इसमें क्या होगा, इस रिएक्शन में मान लीजिए यहाँ Cl है, यहाँ H है, यहाँ पर है CH2CH3, यहाँ पर CH3 है, सॉरी, और ये है एस्टर, राइट. तो इसमें वो Et- अगर आता है E2 मैकेनिज्म के तहत, तो उसे इस कार्बन से H लेकर जाना चाहिए मेजर प्रोडक्ट के लिए. ये बीटा कार्बन है और जब ये लेकर जाएगा H तो ये उस समय यहाँ पर, इसको मैं ऐसे अलग से शो करता हूँ अगर आप मुझे अलाउ करें, अगर ये H को ट्रैप करे और ये इस तरह से ट्रैप करे, देखें इस तरह से, समझे ये H को ले गया, तो H का जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर आएगा, ठीक है, और उसी समय Cl- निकल के चला जाएगा. तो एक तरह से HCl निकल के चला गया. ये डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन होती है, E2 मैकेनिज्म इसको बोलते हैं. तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, तो देखें आप CH3CH डबल बॉन्ड C, जिस पर एक CH3 है और एक एस्टर ग्रुप है, ये प्रोडक्ट होगा. सो दिस प्रोडक्ट इज रीरिटन इन द अदर फॉर्म इन ऑप्शन सी. सो आर आंसर विल बी ऑप्शन सी. नोट करें इसको.